सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोर्ड्स क्रैक्ड। और आज हम लोग कुछ पढ़ाई की बातें नहीं करने वाले, कुछ सीबीएसई से रिलेटेड बातें नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में, जो कि पाकिस्तान में ट्रैप हो गए थे और आज उनको पाकिस्तान वापस करने वाला है। तो फ्रेंड, मैं आ गया हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप भी इस आर्टिकल को पढ़िए। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है, इसमें पूरी लाइव अपडेट्स अभी हमको टाइम्स ऑफ इंडिया दे रहा है। और चलिए शुरू करते हैं कि आज पूरे पूरे दिन में क्या क्या हुआ। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें दिख सकता है यहाँ पर कि जो मार्च 1 लिखा है 8:04, यानी कि सुबह के 8 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये लिखा है यहाँ पर, अभिनंदन स्वॉलोड पेपर्स फायर्ड इन एयर बिफोर कैप्चर्ड। तो फ्रेंड, इसका क्या मतलब हुआ कि अभिनंदन ने जैसे ही देखा कि पाकिस्तानी फोर्सेस उधर आ रही हैं, तो उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स थे फ्रेंड्स, जी हाँ, उसने वो स्वालो कर लिए। और देखते ही उसको पकड़ लिया गया, और पकड़ने से पहले भी उन्होंने अपने गोली चला दी, जिससे कि इंडिया वालों को एक इंडिकेशन मिल गया, या फिर तरीके से उनको एक SOS का सिग्नल देने का मौका मिल गया। फायर्ड इन एयर बिफोर IAF पायलट अभिनंदन टू बी रिलीज टुडे, पाकिस्तान PM इमरान खान। तो इमरान खान, पाकिस्तानी PM ने कहा कि आज अभिनंदन को लौटा दिया जाएगा। 8:08 पर ये वाली न्यूज़ आ गई थी हमारे पास, ये एक सबसे बड़ी हेडलाइन थी आज की। उसके बाद फ्रेंड्स, 8:12 पर जो हमारा अपडेट है, अभिनंदन कमिंग होम, इंडिया वोंट बज योर टेरर। मतलब अभिनंदन वापस तो आ रहा था फ्रेंड्स, बट इंडिया ने टेररिज्म के खिलाफ कुछ भी मतलब ढीला होने से या फिर कोई भी कार्रवाई को रोकने से मना कर दिया और बोला कि हम लोग टेररिज्म को ऐसे ही फाइट करने वाले हैं। अगला, ब्लडेड एंड ग्रिल्ड IAF पायलट अभिनंदन रिमेन काम कलेक्टेड। तो यार, ये वाला आर्टिकल तो हमको टाइम्स ऑफ इंडिया में भी देखने को मिल गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि यार उसको बहुत ज़्यादा मारा गया वहाँ पर, बट फिर भी वो काम रहे। अभिनंदन इज एक्सपेक्टेड टू बी हैंडेड ओवर टू इंडियन अथॉरिटीज एट वाघा बॉर्डर टुडे आफ्टरनून। तो यार, वाघा बॉर्डर पे सब हैंड ओवर कर रहे हैं, और वाघा बॉर्डर पे आज सबसे ज़्यादा भीड़ होने वाली है। फिर अगला अपडेट हमारा आता है 8:46 पे, जो कि हमारा अपडेट क्या है, US वेलकम्स पाक डिसीजन ऑन टू रिलीज कैप्चर इंडियन पायलट। तो यार, ट्रंप जी ने या फिर US गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसको अप्रिशिएट कर दिया स्टेप को, पाकिस्तान वायलेटेड सीज फायर एट ग्वालान एट चौकस कैटल पोस्ट इन URL सेक्टर लास्ट नाइट, 1 सिविलियन इंजर्ड रिसीविंग ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल। तो यार, पाकिस्तान उनको रिलीज तो कर रहे थे, बट साथ ही साथ उन्होंने गलत काम भी कर दिया और वहाँ पे सीज फायर को वायलेट कर दिया उन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ऊपर चलते हैं, यहाँ पे कुछ आ गई हैं एड्स, और 9 बजे के करीब का हमारा अपडेट है ये, एनकाउंटर इन हंडवारा एरिया ऑफ कुपरावा डिस्ट्रिक्ट JNK, फायर हैज ईज्ड, 2-3 टेररिस्ट बिलीव्ड ट्रैप्ड। तो यार, यहाँ पे 203 टेररिस्ट को इंडियन आर्मी ने पकड़ लिया है। अगला अपडेट आ जाता है फ्रेंड्स 9:10 पर टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से, कि UN अगेन आस्क पाकिस्तान टू डिनाई सेफ हेवन्स टू टेररिस्ट। तो यार, US ने दोबारा पाकिस्तान को बोला कि उनको एक सेफ ग्राउंड ना दे टेररिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फैलने के लिए और दुनिया में टेररिज्म मचाने के लिए। 9:40 पे यार हमारे पास हंडवारा एनकाउंटर एंड्स, सर्च ऑपरेशन अंडरवे। तो एनकाउंटर जो अभी हमने नीचे पढ़ा था, ये वाला एनकाउंटर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसकी अपडेट हमको यहाँ पर मिल गई है, और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज अरेस्टेड 1 पर्सन फॉर सस्पेक्टेड एस्पलेज फ्रॉम फिरोजपुर सेक्टर इन पंजाब। तो यार, यहाँ पर भी गलत काम की वजह से किसी बंदे को पकड़ लिया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। यहाँ पे फिर से कुछ एड्स, और 10 बजे के करीब US वेलकम्स पाक डिसीजन, दोबारा ये रिपीट हुई है न्यूज़। और फिर अ डेलीगेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स विल रिसीव विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान एट द वाघा बॉर्डर। तो यार, ये न्यूज़ आई कि डेलीगेशन ऑफ IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स रिसीव करेंगे विंग कमांडर अभिनंदन को एट द वाघा बॉर्डर। फिर हमारी न्यूज़ आती है फ्रेंड्स 10:44 पे, कि इट इज़ नॉट क्लियर वेदर वर्तमान विल बी हैंडेड ओवर टू इंटरनेशनल रेड क्रॉस और टू इंडियन अथॉरिटीज़। मतलब ये क्लियर नहीं था कि डायरेक्ट इंडिया को मिलेगा या फिर रेड क्रॉस को भी मिल सकता है। तो यह बहुत बड़ी न्यूज़ फिर से आई थी। 11:35 पे यार चाइना कैंसल्ड ऑल फ्लाइट टू एंड फ्रॉम पाकिस्तान इन व्यू ऑफ इंडिया पाक टेंशन। तो यार, पाकिस्तान जो कि जो कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त है, उन्होंने भी अपनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, देखते हुए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितना बड़ा अभी टेंशन चल रहा है। तो ये भी उनका एक अच्छा स्टेप था। अगला आ जाता है फ्रेंड्स 11:40 पे,
द जैश ए मोहम्मद चीफ मकसूद अजहर इज इन पाकिस्तान एडमिट्स पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर। तो यार पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने एडमिट कर लिया कि JAM जिसने पुलवामा अटैक कराया था वो पाकिस्तान के अंदर है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम 1 मार्च में ही कितनी सारी न्यूज़ आ रही हैं। तो फ्रेंड्स 11:40 पे माइक पोम्पियो होपफुल इंडिया पाक टेंशन विल कम डाउन, तो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ बोल रहे थे। 11:54 पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी सेड अभिनंदन वर्तमान विल बी रिलीज दिस आफ्टरनून वाया वाघा। तो पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर ने बोल दिया है कि वाघा बॉर्डर पे अभिनंदन को वापस दिया जाएगा। 11:55 की बात है फ्रेंड्स, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर शाह महसूद कुरैशी अपील्स टू UN सेक्रेटरी जनरल एंड रशिया टू प्ले अ मेडिटेशनल रोल टू डी एस्केलेट टेंशंस। तो यार उन्होंने टेंशन कम करने के लिए बोला है UN को। अगला अपडेट आ जाता है फ्रेंड्स 1 बजे का एग्जैक्ट, पीपल गैदर एट अटारी अवेट रिटर्न ऑफ कैप्चर्ड पायलट्स। तो फ्रेंड्स वैसे तो अटारी वाघा बॉर्डर पे हर रोज़ ही बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बट आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है अभिनंदन के वेलकम में, और इसीलिए वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने एंट्री पर भी बैरियर लगाया कि आज बहुत कम लोग ही वहाँ पर अलाउ होंगे। फ्रेंड्स आगे हमारा अपडेट है, द MEA टू ब्रीफ पार्लियामेंट पैनल ऑन इंडो पाक रिलेशंस पोस्ट पुलवामा टेरर अटैक। अगला अपडेट आता है फ्रेंड्स 13:42 यानी कि 1:42 पे दोपहर के, पाक इग्नोर्स इंडियाज़ रिक्वेस्ट टू सेंड बैक AIF पायलट बाय एयर। तो फ्रेंड्स इंडिया ने रिक्वेस्ट करा था कि बाय एयर अभिनंदन को वापस भेजा जाए, बट पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट इग्नोर कर दी। 14:28 पे हमारा नेक्स्ट अपडेट है फ्रेंड्स, नो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी एंड फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी एट अटारी बॉर्डर। तो ये हमारा सेरेमनी है फ्रेंड्स। 14:36 वर्तमान MiG-21 फैमिली सन फ्लाइज इट डैड फ्लू इट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत इमोशनल और एक बहुत अच्छा आर्टिकल आ रहा है TOI की तरफ से कि वर्धमान जो हैं जो अभिनंदन के फादर वो भी MiG-21 चलाते थे और आज अभिनंदन भी MiG-21 ही चला रहा है। नेक्स्ट हमारा अपडेट है फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स पायलट अभिनंदन पेरेंट चीयर्ड ऑन दिल्ली चेन्नई देयर फ्लाइट। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली ये बात थी कि उनके पेरेंट्स उनको रिसीव करने जाएंगे और वहाँ पर उनको बहुत सारी अपलॉज बहुत सारी चेयरिंग मिली है। नेक्स्ट हमारा अपडेट आया था फ्रेंड्स, एवरी इंडियन इज प्राउड दैट द ब्रेव किंग विंग कमांडर अभिनंदन इज फ्रॉम तमिलनाडु। तो यार सबको प्राउड है कि इंडिया से है तमिलनाडु से है वो। 15:23 यानी कि 3:00 करीब 3:30 का अपडेट है, नो रिट्रीट सेरेमनी एट अटारी टुडे। ठीक है तो यहाँ पे रिट्रीट सेरेमनी कैंसिल कर दी गई है। 15:40 का अपडेट है फ्रेंड्स, वुड लव टू गो टू रिसीव विंग कमांडर बट देयर इज लैड और प्रोटोकॉल वगैरह। तो पंजाब CM ने बोला है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर जाने के लिए, बट स्टिल कुछ प्रोटोकॉल्स को ऐसे मैं नहीं जा सकता। और ये बड़ा अपडेट था फ्रेंड्स, 16:24 यानी कि 4:30 के करीब जो कि शेड्यूल टाइम था, इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर अभिनंदन ऑन हिज वे टू अटारी वाघा बॉर्डर। तो यहाँ पर वो आ रहे हैं यानी कि कोई प्रूपर नहीं था। 16:32 फ्रेंड्स, मीनवाइल पाकिस्तान हैज ऑलरेडी सीज फायर इन नौशा सेक्टर ऑफ JNK रजौरी डिस्ट्रिक्ट। इंडियन आर्मी इज रिटेलिएटिंग, इंडियन एयरफोर्स पायलट अभिनंदन लेफ्ट लाहौर वाइल गो इन कन्वॉय कंप्राइजिंग व्हीकल्स ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। पाकिस्तान्स रिटर्न आर डिप्लोमेटिक विक्ट्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडाज भी शुरू हो चुके हैं। अमित शाह जो कि BJP चीफ हैं उन्होंने कहा है कि ये हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है यानी कि इंडिया की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, बट किसी तरीके से वो अपने इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ा रहे थे। नेक्स्ट हमारे आते हैं हैवी सिक्योरिटी एट अटारी बॉर्डर। ऑब्वियसली फ्रेंड वहाँ पे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, तो क्राउडेड अटारी बॉर्डर, ये सारी वहाँ की लाइव अपडेट्स और फोटोज थी। ठीक है तो एम्बुलेंस एंड एस्कॉर्ट फैसिलिटीज। ठीक है तो यार 5:30 के करीब क्या अपडेट आने वाला है कि इंडियन एयरफोर्स पायलट अभिनंदन हैज रीच द पाकिस्तानी साइड ऑफ द बॉर्डर टू बी हैंडेड ओवर टू इंडिया। इंडियन एयरफोर्स इज एक्सपेक्टेड टू ब्रीफ मीडिया शॉर्टली एट द अटारी बॉर्डर। एयर वाइस मार्शल RJK कपूर विल रीड आवर स्टेटमेंट शॉर्टली। और फिर फ्रेंड्स हमारे पास ये बैटरी लो है हो गई है हमारे फ़ोन की, और 16:21 पे हमारे पास ये अपडेट आया कि पेपर वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट, टू टॉप
IAF ऑफिसर्स टू रिसीव विंग कमांडर अभिनंदन। ठीक है, तो ये हमारा अपडेट था। और फ्रेंड्स अब क्या अपडेट आ रहा है, पाकिस्तान डेफर्स ओपनिंग इट्स एयर स्पेस फॉर ओवर्स प्लान टू मंडे, हैवी शेलिंग बाय पाकिस्तान इन एरियाज अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल इन रॉकरी पूंछ वुमेन इंजर्ड। तो यार यहाँ पे पाकिस्तान को रिटर्न तो कर रहा है बट दूसरी साइड से वहाँ पे वो शेलिंग भी कर रहे हैं मोर्टर से। हमारा सबसे लेटेस्ट लाइव अपडेट जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आ रहा है वो कि 7:33 पे फ्रेंड, अभी 7:50 टाइम हो चुका है आप जैसे देख सकते हैं, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे 7:50 टाइम हो चुका है, बट यहाँ पर 7:33 पे बिल्कुल अभी लेटेस्ट अपडेट है कि टीवी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की वजह से उनको वापस लाना बहुत मुश्किल हो गया फ्रेंड्स। तो वापस तो वो आएंगे, थोड़ा लेट आएंगे, अभी भी भीड़ वहाँ पे बहुत सारी जमा है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़, यहाँ पर अभिनंदन के बारे में सारी लाइव अपडेट आपको मिल रही हैं, तो आप अभी भी जा सकते हैं, आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है फ्रेंड्स आज का। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये एनालिसिस, अगर आपको ये लाइव अपडेट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर आप खुश हैं अभिनंदन के वापस आने से तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे और बढ़िया बढ़िया वीडियोस और जनरल वीडियोस, अच्छे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं कहूँगा उनको मिलते रहें। सो फ्रेंड्स लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको कुछ भी पूछना हो या फिर कुछ भी बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।